अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बीफ़, यानी हम उसको सिर्फ काली मिर्च में बीफ़ कढ़ाई बना रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ काली मिर्च डालेंगे। तो ये हमने पानी रख दिया है, जिसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो नमक डाल रहे हैं हसब ज़ायका, यानी अभी जितना गोश्त है उसके हिसाब से हमने सिर्फ इसमें नमक डाल दिया है। और ये अब हम इसमें दो जो है काली इलायची, यानी दो बड़ी काली इलायची, और फिर तकरीबन 1/2 चम्मच जो है वो गरम मसाला। तो ये हमने इसमें पानी में सिर्फ ये चीज़ें डाल दी, नमक, दो बड़ी काली इलायची और 1/2 चम्मच गरम मसाला। और अब हम इसमें ये बीफ डालेंगे, ये तकरीबन 1 किलो है जिसको हमने छोटा छोटा कर लिया है। अब हम इसमें ये डाल देंगे और अब इसको हम प्रेशर कुकर जो है वो चढ़ा देंगे और तकरीबन 8 मिनट हमने इसको सिर्फ सीटी देनी है, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, तो सिर्फ 8 मिनट पकाना है। ये देखिए गोश्त जो है वो उबल चुका है, नरम भी हो गया। हमने तकरीबन 7 मिनट की सीटी दी थी, यानी 7 मिनट का वेट दिया था इसको प्रेशर कुकर में। तो ये काफ़ी अच्छी तरह, जिस तरह हम उबालना चाहते थे उस तरह से नरम हो गया है। अब हम ऑयल रख देते हैं। ये देखिए ऑयल जो है वो हमने रख दिया है कढ़ाई बनाने के लिए। ये हमने तकरीबन 1 अदद प्याज इसको काट लिया है और हम इसमें डाल देते हैं। हमने पहले प्याज को फ्राई कर लेना है। जब तक प्याज फ्राई होते हैं तो हमने टमाटर, ये तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के हमने टमाटर काट लिए, और ये हमने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया। इसमें तकरीबन अदरक जो है 1 इंच का 1 पीस था, और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, और 4 से 5 अदद जो थी वो लहसुन की जोई थी। तो ये हमने उनका पेस्ट बना दिया और टमाटर भी काट लिए हमने। प्याज गोल्डन फ्राई हो गया, अब हम इसमें लहसुन और अदरक जो है उसका पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें बीफ भी डाल देते हैं, ये बीफ जो हमने उबाल लिया था हम वो डाल देते हैं इसमें। गोश्त को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, अदरक लहसुन जो है इसमें। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, हम सिर्फ ही काली मिर्च में बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए गोश्त जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अगर आपको किसी स्टेज पे लगे कि नीचे से लग रहा है गोश्त, तो आप इसमें वही जिस पानी में आपने उबाला था थोड़ा थोड़ा करके आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है, अब हम इसमें बाकी जो मसाले हम डालना चाहते हैं, यानी काली मिर्च और गरम मसाला,
वो डाल देते हैं। ये हम डालेंगे तकरीबन एक चम्मच इसमें काली मिर्च, और ये आधा चम्मच जो है वो गरम मसाला, और साथ में हल्दी जायका नमक। नमक क्योंकि हम गोश्त उबालते वक्त पीस में डाल चुके थे, तो इसलिए अब हमने इसमें सिर्फ थोड़ा सा डालना है। अब हम इसमें वक्तन फवक्तन थोड़ा थोड़ा करके वही पानी डालेंगे, और इसमें इसको हमने खूब भूनना है। देखो गोश्त जो है वो इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, ऑयल भी इसका निकल आया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी हम जितना इसमें बस। इसके साथ ही हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, और गैस जो है उसको हम हल्की आंच उसको मतलब स्लो कर लेंगे बिल्कुल, यानी मीडियम से भी कम कर लेंगे। और अब हम तकरीबन 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढकना जो है वो रख देते हैं। हमारी काली मिर्च और गरम मसाले वाली कढ़ाई, बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस जो है वो बंद कर देते हैं और आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है।